जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 नशा तस्करों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी जसकिरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभी नाहर, सनी नाहर और संजय के रूप में हुई है, जिनके पास से 55 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्तौल, 32 बोर और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इंचार्ज सीआईए सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, उन्होंने बंदे फड़े हैं जो मानयोग साढ़े सीपी साहब कुलदीप सिंह चाल साहब की जी गैंगस्टर और एनडीपीएस के खिलाफ जी एक मुहिम चलाई गई है, वो बड़ी सख्ती जरा मतलब जल्दी और सख्ती जरा किया जा रहा है। उत्ते साड़ी सी आई टीम ने ए सी पी परमजीत होर तो इंचार्ज सी आई ए सब इंस्पैक्टर अशोक, इन्होंने जो 3 बंद गिरफ़्तार किया, इन्हों के खिलाफ मुकदमा नंबर 15 थाना डिवीजन नंबर 5 के जरा एन डी पी एस का आर्म्स एक्ट का जरा दर्ज किया। यह तिना बंद को जरा 55 ग्राम के खिलाफ हीरोइन बरामद की है, तो 2 इन्हों को 32 बोर के जोड़े है देसी कट्टे वो बरामद किए हैं, तो नाल 5 जिंदा रौंद। ये 3 बंद हूँ गिरफ़्तार किए हैं, हूँ इन्हों का मान योग कोर्ट च पेश करके असं रिमांड लवेंगे। रिमांड लैके जोड़े वैपन कितों आए हैं इस गल वेरीफाई करेंगे, तो कि इन्हों का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड कोई होर, तो प्लस इन्होंने प्रीवियसली कोई वारदात ना की, उस गल सारा असं खुलासा कर। ये 3 जो जलंधर के रहने वाले हैं, इन्होंने इतों गिरफ़्तार किया जाए, इन्हों का प्रीवियस रिकॉर्ड चैक कर रहे हैं। फिलहाल हजे नहीं है, बस फिर भी देखते हैं भी प्रीवियस रिकॉर्ड हो रहे खिलाफ मुकदमे। फिलहाल इन्होंने को 55 ग्राम जी हेरोइन प्लस 2 32 बोर के देसी वैपन 5 राउंड बरामद किए।